सुन, मैं आपको से यस और नो टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, इसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी, वी विल टेक अ नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? सबसे पहले अपन बात करें इमेज सेंसिंग एंड एक्वाइजिशन। तो जब भी अपन किसी इमेज सेंसिंग और एक्वाइजिशन की बात करें तो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप होता है इमेज को कैप्चर करने का, तभी आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे। सपोज यू हैविंग अ प्रोसेसिंग सिस्टम और आप इमेज में इसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू विल कैप्चर द इमेज। आपको इमेज को कैप्चर करना पड़ेगा या फिर यू एक्वाइजिस करना पड़ेगा उसको। सीन जो आपका कंपाउंड सीन है वहाँ से उस इमेज को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में या डिजिटल फॉर्म में आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब भी अपन इमेज को कैप्चर करते हैं तो इमेज किस तरीके से कैप्चर होती है, कैसे कैप्चर होती है, उसका फंडामेंटल आज अपन देखेंगे। तो मेनली जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं द ट्रेडिशनल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, देयर इज अ थ्री वे, तीन तरीके के हैं, यूजिंग अ सिंगल सेंसर, यूजिंग अ लीनियर सेंसर एंड यूजिंग द एरे सेंसर। क्या होता है, किस तरीके से होता है, आज अपन देखते हैं। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल एंड थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने अभी आपको बताया। लाइक मोस्ट ऑफ द इमेजेस इन विच वी आर इंटरेस्टेड आर जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इल्यूमिनेशन सोर्स एंड रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स बाय द एलिमेंट ऑफ द सीन बींग इमेज्ड। अब यहाँ पे सपोज आपकी कोई इमेज है और यह आपके कोई कैमरा ले रखा है जिससे आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो जब आप उस कैमरे से उसको कैप्चर करेंगे तो वो कैप्चर कब होगा, जब ये जो सोर्स है उसकी ब्राइटनेस इल्यूमिनेशन जब आप इस कैमरे के सेंस में कैप्चर होगा। तो ये इल्यूमिनेट कैसे करता है, तो किसी कोई सोर्स होगा जिससे आपकी लाइट जो है वो इल्यूमिनेट होती है, या हो सकता है कोई और एम्बियंट लाइट हो सकती है, रूम के प्रकाश के ऊपर जो लाइट होगी वो लाइट हो सकती है, उससे ये ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा। ऑब्जेक्ट के विजिबल होने पे ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है उसको कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ को एब्जर्व कर लेगा। वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस रिफ्लेक्शन से कैमरे में अपन कैप्चर करते हैं, वो एनालॉग फॉर्म में होता है, कैमरा भी एनालॉग फॉर्म में लेक्चर कैप्चर करता है, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द इमेज। सो हाउ इमेज विल बी कैप्चर्ड, किस तरीके से कैप्चर्ड होगी, द फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ लाइट सोर्स और एनी सोर्स विच रिफ्लेक्ट इल्यूमिनेटेड द सर्फेस, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इल्यूमिनेट करता है कुछ और सोर्स की लाइट को ऑब्जर्व करता है, कुछ को वो रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्शन होती है वो कैप्चर में आपकी कैमरे में आपकी कैप्चर हो जाती है। इस तरीके से ये बेसिक फंडामेंटल है जिस तरीके से अपन इसको इमेज को कैप्चर करते हैं। नाउ इमेज जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इल्यूमिनेशन सोर्स एंड रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्वेशन, ये भी अपन ने देखा, एनर्जी जो होती है वो ऑब्जेक्ट में कितनी कंज्यूम करेगा और कितनी रिफ्लेक्ट करेगा उसके आधार पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इल्यूमिनेट होता है। नाउ जो इल्यूमिनेशन होता है एनर्जी का, वो किस पर डिपेंड करता है, कितनी इमेजी ट्रांसमिट थ्रू द ऑब्जेक्ट से, कितनी रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट होके आपके ऑब्जेक्ट के पास आ रही है। अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट से आपकी एनर्जी कितनी ट्रांसमिट होके कैमरे में कैप्चर होगी, उसके आधार पर इल्यूमिनेशन आपकी एनर्जी को जनरेट करेगा, सिंपल सा, ठीक है? देट इज़ अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन सर्फेस। जैसे कोई प्लेन सर्फेस है उसके ऊपर किसी लाइट सोर्स से लाइट गिर रही है, वो लाइट सोर्स से लाइट गिरेगी तो वो लाइट सोर्स से लाइट गिरने के बाद जो आपका प्लेन सोर्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो अपन को दिखेगा, ठीक है? तो इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल। और एक और एग्जांपल क्या है, नॉर्मल एग्जांपल की और दूसरे एग्जांपल बात करें, ये तो ट्रेडिशनल हो गया। नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल की बात करें, जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे में कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक रे ट्रांसमिट होती है और उस रे ट्रांसमिट के आधार पर, जैसे मैग्नेटिक रेज वगैरह जो अपन डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, उस तरीके की रे उनके ऊपर ट्रांसमिट होती है, वो रे रिफ्लेक्ट करती है जो बॉन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके आधार पर, और उसकी इमेज जो होती है वो अपन को शो हो जाती है कि आपकी बॉडी में इस टाइप का बॉन्स है, जो भी उसका शेप है, क्रैक्ड है या प्रॉपर है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज कैप्चरिंग, वो भी इमेज कैप्चरिंग का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, वी आर पासिंग द जनरेटिंग डायग्नोसिस ऑफ द एक्सरे जो कि पेशेंट की बॉडी में अपन यूज़ करते हैं, पासिंग अ रे टू द पेशेंट बॉडी और उससे अपना इफ़ेक्ट होता है। उसमें आपने देखा होगा कि जब भी अपन एक्सरे करने जाते हैं, एमआरआई करने जाते हैं, ऐसा कुछ होता है अपना, तो वी रिमूव सम मेटल पार्ट्स, मेटल पार्ट्स जो होते हैं वो अपन रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो भी आपका इमेज के अंदर आ जाता है।
ठीक है। सो सिंपल सा इमेज एक्विजिशन प्रोसेस क्या होता है, लाइट सोर्स गिरता है ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट होता है, ब्लिंक करता है, और वो जो ब्लिंकिंग एनर्जी होती है वो कैप्चर्स होती है कैमरे के द्वारा। दैट्स इट, देन वी कैप्चर द इमेज। नाउ देर इज अ थ्री प्रिंसिपल सेंसर अरेंजमेंट यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूमिनेशन एनर्जी इंटू द डिजिटल एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी एनर्जी इल्यूमिनेट हो रही है जिससे वो अपन को दिख रहा है, आपकी आईज हो या जो भी हो, वो जो एनर्जी अपन को दिख रही है, ये जो एनर्जी इल्यूमिनेट हो रही है उसको अपन को कैप्चर करना है, ताकि अपन कैप्चर करके उस इमेज को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। अब इस एनर्जी को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो तीन तरीके इसमें दिए हैं स्टैंडर्ड बुक के अंदर। पहला तरीका यूजिंग अ सिंगल सेंसर, दूसरा तरीका यूजिंग अ लीनियर सेंसर अरेंजमेंट, और तीसरा तरीका है एरे अरेंजमेंट। ठीक है, तीनों तरीकों को अपन देखते हैं तो पता चलेगा किस तरीके से ये काम हो रहा है। नाउ सिंगल इमेजिंग सेंसर, केवल एक सेंसर लेना है अपन को, उस तरीके से कर सकते हैं। लाइन सेंसर या लीनियर सेंसर, जो सारे सेंसर अपन एक लाइन में उनको जमा दिए हैं, और एक एरे सेंसर ग्रिड फॉर्म में। ग्रिड फॉर्म में मतलब एक्स और वाई आपकी फॉर्म है, 2D फॉर्म में अपन ने सेंसर ले रखे हैं। तो तीन प्रकार के आपका इमेज एक्विजिशंस के मेथड्स होते हैं, यूजिंग अ सिंगल इमेजिंग सेंसर, यूजिंग अ लीनियर सेंसर एंड यूजिंग द एरे सेंसर। ठीक है, वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। सीधा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इमेज एक्विजिशंस क्या है एक्सप्लेन कीजिए, ऑल्सो एक्सप्लेन द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेंसर। सीधा क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट सिंपल सा ये अरेंजमेंट है, दैट इज अ सिंगल इमेजिंग सेंसर। ये आपका सिंगल इमेजिंग सेंसर है एक तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उससे जो लाइट है वो इमिट हो रही है, और वो एनर्जी जो हो रही है वो यहाँ पर सेंस हो रही है। सेंसर मटेरियल क्या कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है। इसके ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि नॉइस को रिमूव कर रहा है। ये सेंसर क्या कर रहा है, एनर्जी को सेंस कर रहा है, एक इनपुट एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये पूरा जो कंपोनेंट है वो वर्क करे। हाउसिंग मतलब एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर ये सारा फिट कर रखा है, और ये जो एनर्जी इसमें आ रही है उसको रीड कर रहा है कंटिन्यूस वोल्टेज वेव फॉर्म में। वोल्टेज वेव फॉर्म में ये रीड हो रही है, और ये वेव फॉर्म बाद में किस में कन्वर्ट हो रही है, डिजिटल फॉर्म में, ताकि अपने पास इमेज दिख के आए। सो इट इज़ अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमेज कैप्चरिंग। वी हैव वन सेंसिंग मटेरियल, सेंसिंग मटेरियल जैसे कैमरे का लेंस होता है, उसको जैसे शटर खुलता है तो वो एनर्जी को कैप्चर करता है, वेव्स को कैप्चर करता है, और जो वेव्स कैप्चर होती हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन को इमेज देता है। ठीक है, लेकिन उसका जो होता है उसके अंदर एरे सेंसर होता है। कैसे काम करता है, जब एरे सेंसर आएगा तब डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ अ सिंगल सिंपल्स अरेंजमेंट है आपका इमेज सेंसिंग का। सो इनकमिंग एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इंटू द वोल्टेज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इलेक्ट्रिसिटी पावर सेंसिंग सेंसर मटेरियल। तो ये जो इनपुट एनर्जी पावर है वो एक सेंसर मटेरियल है, तो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, आपके वोल्टेज वेव फॉर्म के अंदर। द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इज रिस्पॉन्स टू द सेंसर एंड डिजिटल क्वांटिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम ईच सेंसर बाय डिजिटलाइजिंग इट्स रेस्पेक्टिवली। सो जैसे ही आपका एनर्जी आपकी आई, इनपुट पावर दिया, उस आधार पे जो एनर्जी अपन ने कैप्चर की उसका एक वोल्टेज फॉर्म जनरेट होगा, और उसको अपन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, देन दूसरा आपका होता है, ये फर्स्ट वन इज अ लीनियर सेंसर आपका था, सेकंड सेंसर इज अ वी कैन से लाइन सेंसर। फर्स्ट आपका सिंगल सेंसर, लाइन सेंसर, और तीसरा आपका है एरे सेंसर। तो तीन प्रकार के सेंसर आपके इस सिलेबस में है एक्वायरिंग द ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंसर आपका है सिंगल सेंसर, लीनियर सेंसर यही सेंसर है, लेकिन इसके अपन ने किस में फॉर्म में जमा दिया, लीनियर सेंस में जमा दिया है। और यही सिंगल सेंसर है, लेकिन इसको किस फॉर्म में जमा दिया, ग्रिड फॉर्म में या एरे फॉर्म में, 2D एरे फॉर्म में अपन ने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, सो सिंगल इमेजिंग सेंसर, लाइन सेंसर एंड एरे सेंसर, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ सिंगल सेंसर किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बता दिए एज इट इज़। पर इसे वर्क कैसे करेगा वो अपन बता रहे हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट है, यह आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अपन को कैप्चर करना है। ठीक है, इसको अपन को किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस ऑब्जेक्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे अगर आप सिंगल सेंसर से, तो किस तरीके से करोगे वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि सिंगल सेंसर, आप ये मान लो कि आपके हाथ में एक छोटा सा सेंसर है, जो भी चीज़ इमेज करनी है उसके उसके ऊपर आपको उसको घुमाना पड़ेगा।
ताकि वो चीज़ आप कैप्चर कर पाओ। कैसे होती है, क्या होती है, लेट्स हैव अ लुक। देखो अब सिंगल सेंसर से कैसे अपन ले रहे हैं उसका एक डायग्राम बना रखा है, एक मेथड है। इसमें क्या है, कोई भी इमेज को अगर अपन को कैप्चर करना है तो वी हैव टू बी मूव दैट पर्टिकुलर सिंगल सेंसर ओवर द इमेज। अब किस तरीके से मूव करोगे, ये तो एक ही सेंसर है। यू नीड टू मूव इन द बोथ डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में अपन को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ सिंगल अरेंजमेंट जिसके अंदर एक बार होता है, ये हॉरिजॉन्टल बार है जिसके ऊपर वर्टिकली या परपेंडिकुलरली सेंसर आपका लगा होता है। इसके अंदर एक फिल्म होती है जिसको अपन रोटेट करते हैं, रोटेट करने से जो फिल्म है वो ऊपर नीचे रोटेट होती है, अपन कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में। और यहाँ जो सेंसर लगा होता है वो हॉरिजॉन्टल जो रोड लगी हुई है उसमें ये एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। तो इससे क्या होगा कि आपका इमेज जो है वो कैप्चर हो जाता है। कैसे कैप्चर होता है, जस्ट हैव अ लुक। ये एग्जांपल लिया है अपन ने, ये आपका इमेज सेंसर, सपोज यहाँ से आपका इमेज सेंसर कैप्चर कर रहा है, यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका जो सेंसर है वो इसको ये सेंस कर रहा है। तो पहले ये अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पूरा जो बार है वो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट एक बार में ये सेंस करेगा, तो पहली बार में आपके पास ये आउटपुट आया डिजिटल फॉर्म के अंदर। फिर ये थोड़ा सा अप मूव करेगा, ये जो फिल्म है वो थोड़ी सी रोटेट होगी, रोटेट होगी इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेगा अपर साइड में। देन इट स्कैनिंग द नेक्स्ट लाइन, बाकी फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को स्कैन करेगा और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अगेन इन मूविंग इन द अपवर्ड, अपवर्ड मूव करेगा, अगेन इट सेंसिंग द इमेज एंड इट कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग इन टू द डिजिटल फॉर्म। सो इन सिंपली वर्ड वी कैन से इन द सिंगल सेंसर इमेज एक्विजिशन सिस्टम वी नीड टू मूव द सेंसर इन टू द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज अ वाई डायरेक्शन टू कैप्चर एन इमेज एंड कन्वर्ट इन टू द डिजिटल फॉर्म। सो किसी भी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर सिंगल सेंसर की सहायता से, तो उसको अपन को एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। दैट इज अ मैकेनिज्म, वही अपन ने वर्ड्स में लिखा है। व्हाट आर द वर्ड्स, लेट हैव अ लुक। सो फिल्म नेगेटिव इज अ माउंटेड ऑन द ड्रम हुज मैकेनिज्म रोटेटिंग द प्रोवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट इन द वन डायमेंशन। तो ये जो रोट फिल्म है वो एक तरफ का रोटेशन प्रोवाइड कराती है। द सिंगल सेंसर इज माउंटेड ऑन द लीड स्क्रूड टू द प्रोवाइडिंग द मोशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये जो होता है उसके अदर डायरेक्शन में आपको मोशन मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो एक आपका ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक आपकी फिल्म है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बिकॉज इज ऑफ द मैकेनिकल मोशन कैन बी कंट्रोल्ड विद द हाई प्रिसीशन, मैकेनिकल मोशन अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। स्लो क्यों है, बिकॉज वी नीड टू मूव एक्स डायरेक्शन एज वेल एज अ वाई डायरेक्शन। नाउ अदर सिमिलर मैकेनिज्म अरेंजमेंट यूज इन द फ्लैट बेड। फ्लैट बेड आपने प्रिंटर देखा होगा, फ्लैट बेड क्या होता है, अपन बात करें जैसे कलर प्रिंटर आते हैं आजकल, उसके अंदर भी कोई भी इमेज जो जनरेट होती है वो क्या करता है, पेज के ऊपर लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन आपका मूव करता है। पेज आपका मूव करता है और वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, तो पेज आपका आगे की ओर मूव करता है और वो जो हेड लगा होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट मूव करता है, तो आपका प्रिंटर के बाहर आ जाता है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, 3D प्रिंटर जो अपने कॉलेज के अंदर लगा हुआ है, 3D प्रिंटर कैसे मूव करता है आपने देखा होगा, उसकी नीब जो है वो आपका वन डायरेक्शन अप एंड डाउन समथिंग, जहाँ उसको जाना है एक्स और वाई दोनों तरफ उसको मूव करना पड़ता है। तो जो इमेज जो पॉइंट उसको कैप्चर करना है उसके लिए उसको एक्स डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ता है और वाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। देन वी कैन से इट इज अ सिंगल सेंसर्ड एक इमेज एक्विजिशन सिस्टम। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म डिजिटलाइज समटाइम्स आर रेफर द माइक्रो डेंसिटोमीटर्स, ठीक है, डेंसिटोमीटर्स। तो इसको जनरली माइक्रो डेंसिटोमीटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ माइक्रो डेंसिटोमीटर, इट इज सिंपली अ वे इन विच वी आर यूजिंग द सिंपल सिंगल सेंसर एंड वी कैप्चरिंग द इमेज इन द एंड कन्वर्टिंग इट इन द डिजिटल फॉर्म। सो पहला एग्जाम्पल था आपका, क्या एक समझ में आया आपको ये वाला एग्जाम्पल, प्रतीक मोहित शशांक, क्या समझ में आया आपको ये जल्दी से बताइए। द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। ओके सो आई रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द शशांक। व्हाट अबाउट द प्रतीक एंड मोहित? यस सर। ओके
सो इट इज़ अ सिंगल अरेंजमेंट, सिंपल सा अरेंजमेंट है. नाउ द सेकेंड इज इमेज इक्विजिशन यूजिंग द सेंसर स्ट्रिप. अब सेंसर स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, आप ये मान लीजिए कि वो जो एक सेंसर था वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर, उसको दोनों डायरेक्शन में मूव करना था. तो अपन ने क्या किया, आप ऐसा करिए कि एक्स डायरेक्शन के अंदर तो बहुत सारे सेंसर लगा दीजिए जितनी चीज़ अपन को कैप्चर करनी है. माना कि मैंने यहाँ पर 100 सेंसर लगा दिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, मुझे सिर्फ मूव करना है वाई डायरेक्शन कर. तो मूवमेंट आपका बच गया, तो टाइम फास्ट हो जाएगा. वी सिंपली मूव अपवर्ड और ये सारे सेंसर जितने भी इसमें लगे हुए हैं, 100 सेंसर, सिंगल सेंसर 100 लगे हुए हैं, तो एक लीनियर सेंसर बन गया. ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो अपन को कैप्चर होकर मिल जाएंगी. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे सिटी स्कैन होता है, उसमें क्या होता है, आप बेड के ऊपर सोए होते हैं, उसके चारों तरफ जो राउंड रिंग होती है उसके अंदर आपका ये स्ट्रिप सेंसर लगे होते हैं पूरी राउंड में. फिर जैसे आपका बेड अंदर जाता है और वो जो स्ट्रिप सेंसर है वो घूमता है राउंड राउंड शेप में, और वो सेंसर्स क्या होते हैं, आपकी जो हेड होता है या जो जिसका भी अपन को इमेज को सेंस करना है उसको वो कैप्चर कर लेता है. तो ये एक उसी का एग्जाम्पल है. देखते हैं इन वर्ड्स क्या है इसका मतलब. सो अ ज्योमेट्री दैट इज यूज मच मोर फ्रिक्वेंटली दैट इज अ सिंगल सेंसर कंसिस्ट ऑफ द इन लाइन अरेंजमेंट ऑफ द सेंसर इन द फॉर्म ऑफ सेंसर स्ट्रिप शो इन द फिगर. तो ये आपकी सेंसर स्ट्रिप है जो कि इस फिगर में बता रखी है. इसमें सिंगल सेंसर इन सबको अपन ने आपस में जोड़ दिया तो एक बड़ी सी स्ट्रिप अपन ने बना दी है. दिस स्ट्रिप प्रोवाइड द इमेजिंग एलिमेंट्स इन द वन डायरेक्शन. तो इससे क्या होगा, पूरा एक डायरेक्शन में अपन को इमेज को अपन ने कैप्चर कर लिया, दूसरे डायरेक्शन के लिए अपन को मूव करना पड़ेगा. सो मोशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिप प्रोवाइड द इमेजिंग द अदर डायरेक्शन एज शो इन द फिगर. तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका सिंपल सा एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप सेंसर है. अब इस स्ट्रिप सेंसर को आप लीनियर मोशन, आप इसको लेफ्ट या राइट में जहाँ घुमाएंगे तो एक साथ ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको सबको ये क्या कर देगा, कैप्चर कर देगा. ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, वी हैव एक्स एंड वाई डायरेक्शन. अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर स्ट्रिप ले रखी है तो इसको ऊपर नीचे मूव करो, वाई डायरेक्शन पूरा आपका कैप्चर हो जाएगा. ये सिंपल बैड है, ये जहाँ मूव करेगा आपका, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन की सारी चीज़ों को एक साथ में ये कैप्चर कर लेगा. दिस इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूज इन द मोस्ट फैड बैड सिस्टम. फ्लैट बैड सिस्टम वही जैसे सिटी स्कैन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था. इट इन लाइन पॉसिबली वी हैव 4000 सेंसर, अराउंड 4000 सेंसर का अपन इसमें यूज कर सकते हैं इन लाइन बैड के अंदर. तो 4000 सेंसर, ये एक स्ट्रिप के अंदर 4000 सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपस में इंटरली कनेक्टेड होते हैं. ये मूव करते हैं लेफ्ट एंड राइट एंड वी गेट द रिजल्ट. और अपने पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है जिस फॉर्म में अपन इसको कैप्चर करना चाहें. देन दिस इमेजिंग स्ट्रिप गिव्स वन लाइन ऑफ एन इमेज एट अ टाइम एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिप कंप्लीट द अदर डायमेंशन ऑफ द टू डायमेंशनल इमेज. इट इज अ टू टाइप है, मैंने TOW लिख दिया. टू डायमेंशनल इमेज अपन को है वो जो देती है अदर डायरेक्शन के अंदर. तो वही चीज सेम, एक डायरेक्शन अपन को पूरा मिल जाता है, इसको अपन इसके मूव करते हैं लेफ्ट एंड राइट, टॉप टू बॉटम, और अपन को क्या मिल जाता है, पूरी इमेज जो है वो कैप्चर होके मिल जाती है. इसका एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, ये रोटेटिंग फैड बैड सिस्टम है. इसके अंदर क्या हो रहा है देखें, अगर इस डायग्राम को अगर अपन देखेंगे तो ये 3D ऑब्जेक्ट है जिसको अपन को कैप्चर करना है. ठीक है, लीनियर मोशन है, अंदर और बाहर की ओर लीनियर मोशन आपका होगा. यहाँ पे आपका सेंसर रिंग है, ये पूरी रिंग जो है वो आपकी क्या है, सेंसरिंग रिंग है जो कि आपका इमेज को क्या कर रही है, सेंस कर रही है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी रिंग एक बार इतने हिस्से को सेंस करेगी जितना हिस्सा उसके अंदर है. ठीक है, फिर अपन इस बैट को जैसे और अंदर डालेंगे तो अगला इस हिस्सा जो वो कैप्चर करेगा, देन अगला हिस्सा कैप्चर करेगा, देन अगला हिस्सा ये और कैप्चर करेगा इसको मूव करने पे इनसाइड की ओर. और जो स्ट्रिप है, सॉरी, जो स्ट्रिप है आपकी वो फिक्स लगी हुई है. तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वी कैन से लीनियर अरेंजमेंट ऑफ इमेज कैप्चरिंग. और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये इमेज रिकंस्ट्रक्शन डिवाइस के अंदर कैप्चर हो जाती है और क्रॉस सेक्शन इमेज, बहुत सारी इमेज एक साथ आपके पास प्रिपेयर्ड हो जाती हैं और आपसे क्या मिल जाता है, आपको 3D इमेज मिल जाता है. तो हर एक वन स्कैन को अपन ने इकट्ठा किया तो अपने पास पूरी एक 3D इमेज आपके पास रेडी हो जाएगी. ठीक है, सो
एग्जाम्पल क्या है, इनलाइन सेंसर आर यूज टू रूटीनली इन द रेनबोर्न एयरबोर्न इमेजिंग एप्लीकेशंस इन विच इमेजिंग सिस्टम इज माउंटेड ऑन द एयरक्राफ्ट दैट इज फ्लाई एट द कॉन्स्टेंट एल्टीट्यूड एट द स्पीड ओवर द जियोग्राफिकल एरिया टू बी इमेज. तो जियोग्राफिकल एरिया जिसको अपन को कैप्चर करना है, इमेज करना है, उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. एयरक्राफ्ट के अंदर अपन इसको फैट बेड सिस्टम में पूरा लगा देते हैं और जिस स्पीड में वो चलेगा तो पूरा इमेज जो वो कैप्चर कर देगा. नाउ द इमेजिंग स्ट्रिप गिव्स एन वन लाइन ऑफ एन इमेज एट अ टाइम एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिप कम्प्लीट द अदर डायमेंशन ऑफ द टू डायमेंशन. वही चीज़ लास्ट स्लाइड में अपन ने देखी थी, एक डायमेंशन में आपकी स्ट्रिप दे देती है और मोशन से आपका पूरा थ्री डायमेंशन या टू डायमेंशन जिसमें अपन कैप्चर कर रहे हैं वो अपन को मिल जाता है. सिंपल से एग्जाम्पल. नाउ इट इज़ अ 3D इमेज कैप्चरिंग सेंसर स्ट्रिप माउंटेड इन द रिंग फॉर्मेट. अगर 3D इमेज कैप्चर करना है तो जो सेंसर है उसको अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, एक रिंग फॉर्मेट में अपन ने इसको अरेंज कर दिया. नाउ इंडस्ट्री इमेजिंग ऑब्टेन द क्रॉस सेक्शन स्लाइस. ये बहुत सारी स्लाइस हैं जिसको अपन कैप्चर कर रहे हैं इन 3D ऑब्जेक्ट एज शो इन द फिगर. ये इसका एग्जाम्पल है. तो इस तरीके से अपन इसको कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है. सो एन रोटेटिंग एक्सरे सोर्स, ये रोटेटिंग एक्सरे सोर्स है, ये एक्सरे सोर्स है जो कि आपका रोटेट कर रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इन एंड आउट मूव कर रहा है. प्रोवाइड द इल्यूशन एंड सेंसर अपोजिट द सोर्स कलेक्ट द एक्सरे एनर्जी दैट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट से जितनी इमेज पासेस होंगी वो सारी आपका क्या होगा, सेंसर कैप्चर्ड हो जाएंगे. तो एक्सरे सोर्स क्या है, यहाँ से आपकी लाइट इमिट हो रही है, वो लाइट आपके ऑब्जेक्ट से पास होंगी और जितनी लाइट पास नहीं होंगी वो आपके सेंसर में आपकी कैप्चर्ड हो जाएंगे. और जैसे कैप्चर्ड होगी आपके पास क्या आ जाएगा, बॉडी का इमेज फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगा. ठीक है. सेम चीज़ ऑब्जेक्ट में, इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन को वर्टिकली घुमाना है. एक बार यहाँ घुमाया, फिर यहाँ घुमाया, फिर यहाँ घुमाया, फिर यहाँ घुमाया, तो अपने पास इमेज जो डिजिटल फॉर्म में वो कंस्ट्रक्ट हो गया आगे. एक बार में पूरे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जबकि सिंगल सेंसर में 1x1 पॉइंट्स आपके पास आ रहे थे. ठीक है. ये समझ में आया आपको ये वाला अरेंजमेंट, जल्दी से बताइए क्या आपको ये लीनियर अरेंजमेंट समझ में आया. प्रतीक, मोहित, ओके प्रतीक आप सुन रहे हैं मेरे को, आई एम एबल टू ऑडिबल टू यू. ओके तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. प्लीज गो गो थ्रू दिस PDF आल्सो आफ्टर द क्लास. सो इसी के बारे में लिख रखा है. सो दिस इज टेक्निक इज यूज इन द मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी CAT इमेजिंग. CAT इमेजिंग इज एग्जाम्पल है. MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI जो अपन कराते हैं उसमें भी यूज होता है, सिटी स्कैन में भी यूज होता है. पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर अपन इसका यूज करते हैं. ठीक है. ये तीन एग्जाम्पल हैं उसका. ये मैकेनिज्म बताया किस तरीके से काम करता है. स्लाइसिंग बनती है, उनको अपन ऐड कर लेते हैं तो 3D इमेज अपने पास बन जाती है. ठीक है. नाउ नाउ द थर्ड वन इज ए इमेज एक्विजिशन यूजिंग द सेंसर एरे. अब सेंसर एरे की बात करें तो वो क्या करता है, पूरी इमेज जो होती है आपकी, उस पूरी इमेज को अपन एरे के फॉर्म में एक सेंसर को माउंट कर देते हैं. ये पूरी एरे के फॉर्म में सेंसर को माउंट कर दिया और इस पूरे इमेज सेंसर के रूप में माउंट करने के बाद इस सेंसर को जब आप इमेज पे घुमाओगे, किसी भी इमेज पे घुमाओगे, तो जितने एरिया में सेंसर्स हैं वो पूरी इमेज क्या हो जाएगी, आपकी कैप्चर हो जाएगी. उसी तरीके का कुछ इसमें प्रोसेस होता है. जो रियल वर्ल्ड आपका कैमरा है, कैमरे के अंदर भी ऐसा ही प्रोसेस होता है. उसके अंदर एक एरे होता है सेंसर्स का जो कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी को सेंस करता है एक एरे के फॉर्म में. तो जितने भी सेंसर्स होते हैं वो उसकी स्पेटियल मतलब रिलेटेड टू द स्पेस, जो जियोग्राफिकल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग इमेज को कैप्चर करता है और अपन को फॉर्म प्रोड्यूस करता है आउटपुट में. ये उसका एग्जाम्पल है. ये बहुत सारे सेंसर लगे हुए होते हैं. इससे पहले वाले में सिर्फ स्ट्रिप के फॉर्म में लगे हुए थे, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब लगे हुए हैं. तो इससे अपन को क्या करना पड़ता है, लेफ्ट एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत नहीं है. सिंपल से आप कैप्चर करो, आपके पास आउटपुट आ जाता है. सो
फिगर शो इंडिविजुअल सेंसर अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ 2D एरे. 2D एरे के फॉर्म में अपन ने सेंसर्स को अरेंज किया है. न्यूमेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सम अल्ट्रासोनिक सेंसर डिवाइस फ्रिक्वेंटली आर अरेंज इन द एरे फॉर्मेट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर्ड हैं उनका यूज़ किया जाता है इसके रूप में. एग्जाम्पल हैं इसके. इट इज़ अरेंजमेंट फाउंड इन द डिजिटल कैमरा. जो अपन डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं उसके अंदर भी यही अरेंजमेंट आपका होता है. द रिस्पॉन्स ऑफ ईच सेंसर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द लाइट एनर्जी प्रोजेक्टेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ एन सेंसर. सो इसका आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल होता है? जितनी एनर्जी सरफेस पे आपकी माउंट होगी आएगी उसके प्रोपोर्शनल आपकी एनर्जी होती है. सिंस द सेंसर एरे इज टू डायमेंशनल इट्स की एडवांटेज इज दैट द कंप्लीट इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय द फोकसिंग द एनर्जी पैटर्न ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ एरे. तो सबसे अच्छा क्या है, पिछली बार अपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था सबसे पहला सिंगल सेंसर में अपन को ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में मूव करना पड़ रहा था. दूसरे वाले में अपन ने देखा तो एक्स डायरेक्शन में तो मूव को नहीं करना पड़ रहा है लेकिन वाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है. अब ये वाला ऐसा है कि जिसमें आपको ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव करना है ना तो वाई डायरेक्शन मूव करना है. आपके पास एक एरे है, आपने सिंपल सा उसको कैप्चर किया और वो इमेज जो आपको डिजिटल फॉर्म में आपको आउटपुट में मिल गई है. ठीक है, डिजिटल फॉर्म में आपके पास आउटपुट में आ गई, सिंपल सा इसको इसने कैप्चर कर लिया. तो ये क्या करेगा, जितनी भी लाइट्स इमिट हो रही है वही सेंसर जो वो कैप्चर करेगा और डिजिटल फॉर्म में आपको आउटपुट दे देगा. सो इट इज़ एडवांटेज ऑफ इट. ठीक है, नाउ इट इज़ अ मॉडल, रियल टाइम मॉडल है. किस तरीके से कैप्चर होती है, क्या कैप्चर होती है, एक सिंपल एग्जांपल आपका दे रखा है. यहाँ पर आपका एक एलिमेंट ऑफ सेंस है, एक सेंसर एलिमेंट ऑफ सेंसर लगा हुआ है. ऑब्जेक्ट है जिसको अपन सेंस करना चाहते हैं, ये जो कि कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है. यहाँ पे आपका एनर्जी सोर्स है जो कि लाइट को इमिट कर रहा है, वो लाइट इमिट इसके ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर से ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद उस लाइट को आप कैप्चर करोगे इमेज इमेजिंग सिस्टम के अंदर. ये जो इमेजिंग सिस्टम हो सकता है आपका सिंगल सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो, या एरे के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपका ये हो सकता है. देन यू आर जनरेटिंग एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल आपका जनरेट हुआ. ठीक है, फिर ये एनालॉग सिग्नल जो है वो आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये आपका डिजिटलाइजेशन के अंदर आ गया. ठीक है, यू हैव टू बी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन योर एग्जामिनेशन दैट वी हैव अ सीन द ऑब्जेक्ट विच वी विश टू कैप्चर. दिस ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इल्यूमिनेशन एनर्जी सोर्स. द एनर्जी इमिट फ्रॉम द एनर्जी सोर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन इज कैप्चर्ड इन द इमेजिंग सिस्टम. दिस इमेजिंग सिस्टम क्रिएट एन अ प्लान इन द कंटिन्यूस फॉर्म एंड दैट कंटिन्यूस फॉर्म इज कन्वर्टेड इन टू द डिजिटल फॉर्म एंड वी विल गेट द डिजिटल फॉर्म एज एन आउटपुट. ये आपका डिजिटल फॉर्म एज आउटपुट में अपन को मिल जाता है. सो इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल. क्या समझ में आया आपका, हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ओके, सो इसी को वर्ड्स में लिख रखा है अपन ने. सो इमेज आर टू टी डब्ल्यू, टू डायमेंशनल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. जो इमेज होती है वो टू डायमेंशन फंक्शन होता है एक्स एंड वाई में, जहाँ पर एक्स और वाई क्या आपका पिक्सल कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर. एफ क्या आपका, एफ यहाँ पर आपका इल्यूमिनेंस है या फिर इंटेंसिटी कह सकते हैं आपका. द वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ द एफ, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, स्पेशल कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी. पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू आपकी होगी जो कि अलग अलग इंटेंसिटी का लेवल को मेजर कर रहा है. व्हेन द इमेज इज जनरेटेड फ्रॉम द फिजिकल प्रोसेस इट इंटेंसिटी वैल्यू आर प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रेडिएटेड बाय द फिजिकल सोर्स. सो जब भी कोई इमेज जो होती है जिसको अपन को कैप्चर करना होता है वो इमेज कितनी अच्छी आएगी और कैसे कैप्चर होगी वो केवल और केवल उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएट करता है. जितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा उतनी एनर्जी आपकी जो कैमरा, सॉरी, जो कैमरा सेंसर है उसमें कैप्चर होगी और कैप्चर होके वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी, डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगी.
एंड कंसिक्वेंसेज एफ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट. जो एफ ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, जो फंक्शन है, डिजिटल फॉर्म है, ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, आपकी डिजिटल इमेज है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, और जो एफ है इंटेंसिटी वैल्यू वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. सो एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम वैल्यू, वो फाइनाइट होगा, और ग्रे लेवल जो है आपका वो भी आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा. सो इट इज एन इक्वेशन. इस इक्वेशन में क्या आपका, वी हैव अ फंक्शन एफ एंड एफ कॉमा एक्स कॉमा वाई, जिसकी रेंज क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू होगी, ठीक है. सो इट इज अ फाइनाइट वैल्यू, जिसके अंदर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई आपकी वैल्यू है. सो क्या क्या देखा अपन ने, अपन ने देखा सिंगल सेंसर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, किस तरीके से ये वैल्यू को कैप्चर करता है. देन अपन ने देखा एरे फॉर्म में जो सेंसर होता है उसके अंदर एरे के फॉर्म में आपके सेंसर्स लगे होते हैं, और जो एरे सेंसर्स लगे होते हैं वो इमेज को कैप्चर करते हैं, और इसके लिए अपन को एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, वन डायरेक्शन में, और इसमें अपन को टू डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है. फिर अपन ने देखा एरे फॉर्म में इसके अंदर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो सारी ग्रिड हैं वो आपके इस तरीके से माउंट होती हैं और उसको अपन कैप्चर कर लेते हैं और अपने पास इमेज सीधी सी आ जाती है. और ये जो है, ये अरेंजमेंट आपका डिजिटल कैमरे के अंदर यूज़ होता है. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. और भी आज अपन स्टार्ट कर सकते थे फिर, बट वी विल स्टार्ट द न्यू